नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरु दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 202 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? पॉइंट नंबर एक कहता है राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल की संसद या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। पॉइंट नंबर दो कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राकलनों में का पॉइंट कहता है इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारत व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां और पॉइंट नंबर का कहता है राज्य की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां पृथक पृथक दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा। पॉइंट नंबर तीन कहता है निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारत व्यय होगा, अर्थात पॉइंट नंबर का कहता है राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। पॉइंट नंबर का कहता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तथा विधान परिषद वाले राज्य की दशा में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन भी के भी वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 202 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियां जो प्राप्तियां होंगी मतलब जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट होगा और व्यय और जितने भी व्यय किए जाएंगे जितनी भी योजनाओं पर क्या होगा व्यय होगा पैसा इन्वेस्ट होगा व्यय का विवरण रखवाएगा। ठीक है, उनका क्या होगा जितना भी लिखा जोखा होगा उसको क्या करेगा अपने समक्ष विधानमंडल रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, जिसके लिए क्या कहा जाएगा एक वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा। पॉइंट नंबर दो कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए व्यय के प्राकलनों में। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए व्यय कौन कौन से होते हैं? नंबर का कहता है इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारत व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियाँ हैं और पॉइंट नंबर खा कहता है राज्य की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां ठीक है पृथक पृथक दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा, मतलब कि जितना भी राजस्व व्यय है और जितने भी अन्य व्यय हैं उनको क्या किया जाएगा दोनों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखा जाएगा कि कौन सा व्यय राजस्व व्यय है और कौन से अन्य व्यय हैं अन्य खर्चे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर तीन कहता है निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारत व्यय होगा, मतलब जितना भी व्यय होगा प्रत्येक राज्य का वह संचित निधि से ही क्या होगा भारत किया जाएगा, अर्थात पॉइंट नंबर का कहता है राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, मतलब जितने भी राज्यपाल हैं राज्यों के उनकी सबके वेतन भत्ते हैं। ठीक है, पद से संबंधित अन्य व्यय हैं जैसे गाड़ी का खर्चा हुआ, किराया हुआ, खाना पीना हुआ, उसका आना जाना हुआ, जितना भी TAD वगैरह सब बनता है वह किसके अंतर्गत आएगा संचित निधि के द्वारा ही भारत किया जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट कहता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तथा विधान परिषद वाले राज्य की दशा में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति उपसभापति की जितने भी वेतन भत्ते हैं सब कुछ जो है संचित निधि के द्वारा ही उनके व्यय दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर का कहता है ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व राज्य पर है, ऐसी जितना भी भार है जितना भी ऋण है जिनका दायित्व किस पर है राज्य पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं किया जाएगा। पॉइंट नंबर घ कहता है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों के संबंध में व्यय, जितने भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते संचित निधि पर ही भारत किए जाएंगे संचित निधि द्वारा ही भारत किए जाएंगे। अगुआ कहता है किसी न्यायालय या माध्यस्थम अधिकरणों के निर्णय डिग्री या पंचायत की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां, जितनी भी अपेक्षित राशियां हैं जितनी पंचायत वगैरह हैं माध्यस्थम है सुलह है डिग्री है जितनी भी राशियां इनसे प्राप्त होंगी वह किस पर भारत की जाएंगी संचित निधि द्वारा ही भारत की जाएंगी। और कोई भी अन्य व्यय, पॉइंट नंबर चार कहता है कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा
विधि द्वारा इस प्रकार भारत घोषित किया जाता है, मतलब संविधान में कोई भी नियम कानून ऐसा बनाया जाए जो विधानमंडल द्वारा राज्य क्या करे, जिसकी लिए पारित करे, तब वह भी ऐसी व्यय उन पर क्या होगा भारत किया जाएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 203 की। अनुच्छेद 203 कहता है विधानमंडल की प्राकलनों की संबंधित प्रक्रिया। विधानमंडल की प्राकलन में संबंधित प्रक्रिया कौन कौन सी है? पॉइंट नंबर एक कहता है प्राकलनों में से जितनी प्राकलन राज्य की संचित निधि पर भारत व्यय से संबंधित हैं, मतलब जितने भी क्या हैं, जितने भी भार क्या है संचित निधि से संबंधित है राज्य के, वे विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। क्या किए जाएंगे? वह विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, उन पर मतदान विधानसभा में नहीं होगा। किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, मतलब कि जो है इसमें और जितनी बातें कहेंगी उसका कोई गलत अर्थ नहीं लगाया जाएगा, कि वह विधानमंडल में उन प्राकलनों में से किसी प्राकलन पर चर्चा को निवारित करती है। पॉइंट नंबर दो कहता है उक्त प्राकलनों में से जितने प्राकलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे विधानसभा की समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे। ठीक है, जितने भी व्यय वगैरह हैं विधानसभा की समक्ष क्या किए जाएंगे? अनुदानों के रूप में, मांगों के रूप में रखे जाएंगे। और विधानसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे, अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे सकता है। पॉइंट नंबर तीन कहता है किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। मतलब कोई भी अगर अनुदान है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? राज्यपाल की सिफारिश पर ही उसके लिए अनुमति प्राप्त होगी, अन्यथा उसको अनुमति प्राप्त नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 104 कहता है विनियोग विधायक। विनियोग विधायक से संबंधित, विनियोग विधायक से संबंधित है। पॉइंट नंबर 1 कहता है विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य की संचित निधि में से। पॉइंट नंबर का कहता है विधानसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, और पॉइंट नंबर खा कहता है राज्य की संचित निधि पर भारत किंतु सदन या सदनों की समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। मतलब विनियोग विधायक जो है जितने भी भारत हैं, जितने भी संचित निधि पर भारत व्यय हैं, ठीक है, जितनी विवरण रकम है उसके लिए, जितनी भी धनराशियाँ हैं पूर्ति करने के लिए किस पर जो है किया जाएगा, विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कहता है इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने के लिए, मतलब जो भी इसमें नियम का रकम है अनुदान के लिए उसमें कोई परिवर्तन करने के लिए, या फिर अनुदान के लक्ष्य को बदलने के लिए, या फिर क्या जब कोई मतलब बनाया जाता है अनुदान के लिए, ठीक है, मतलब कि जैसे कोई भी योजना बनाई जाती है या कोई अनुदान दिया जाता है किसी को लक्ष्य पूरा करने के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना हुई और ये सौभाग्य योजना हुई, बिजली योजना हुई, उज्ज्वला योजना हुई, सबके लिए जो लक्ष्य रखा जाता है अनुदान के लिए, अनुदान दिया जाता है उसको बदलने के लिए, अथवा राज्य की संचित निधि पर भारत व्यय की रकम में परिवर्तन करने के लिए, जो राज्य की क्या है संचित निधि है उस पर जो भारत व्यय है उसको कम करने के लिए, उसकी रकम को कम करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक में राज्य के विधानमंडल के सदन में या किसी सदन में प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा, और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में निश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन आग्रह है या नहीं। ठीक है, जो भी मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो पीठासीन होगा उसके द्वारा लिया गया अंतिम निर्णय ही सर्वमान्य होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 कहता है अनुच्छेद 205 और अनुच्छेद 206 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। अनुच्छेद 205 कहता है अनुपूरक अतिरिक्त या अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। पॉइंट नंबर 1 कहता है यदि का अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी बात द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है, या पॉइंट नंबर खा कहता है किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की
अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राकलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा और राज्य की विधानसभा में आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी मतलब ऐसा व्यय है जिसके लिए क्या किया जाए, जैसे कि कोई चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है, ठीक है, वित्तीय वर्ष में सेवा के लिए कोई वो कर दिया गया है, तब जो है उसके लिए दोबारा क्या करता है राज्यपाल, उसके लिए दोबारा प्राकृतिक रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा। ठीक है, यथाशीघ्र क्या करेगा, दूसरा विवरण रखवाएगा और उस पर क्या है जल्द से जल्द।